का नाम गीत जपते ही जाएंगे। इतना कुछ दिया न कभी भूल पाएंगे। आपकी नायतें धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी योगेश जी इनका भजन सुना रहे जी। इनके वाले प्रेमी ईश्वर चंद्र इंसान एसडीओ भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। और जो बहनिया भाई आज पहली बार आए हैं जिन्होंने आज गुरु मंत्र लेना है तो आपने यहाँ शेड के नीचे बैठने के बजाय सचखंड हाल में जाकर बैठना है। सचखंड हाल में टेलीविजन लगे हुए हैं, टेलीविजन के माध्यम से ही सत्संग का कार्यक्रम आपको दिखाई और सुनाई देगा और सत्संग के तुरंत बाद पूजनीय गुरु जी वहीं पर ही आपको गुरु मंत्र देंगे जी। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आपने शेड के नीचे नहीं बैठना, जिन्होंने आज गुरु मंत्र लेना है उन्होंने सचखंड हाल में ही जाकर बैठना है जी। धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। नाम ऐसी चीज है जो हरदम जीव की दोनों जहान में मदद करेगा। नाम ऐसी चीज है जो हरदम जीव की दोनों जहान में मदद करेगा। नाम ऐसी चीज है Thank you.
सृष्टि का राजा है दुखिया, ना मैं जपे दिन कोई न सुखिया। जन्म जन्म के पापे हो कितने, नाम हरि का किने धोए। धर्म राज है हरि का किया, गुरु भक्तों की सेवा करेगा, नाम ऐसी चीज है। सागर है गहरा मारू, जिंदगी की बेड़ी गोते खाए। गुरु ही जहाज और गुरु कप्तान है, गुरु बिन कोई ना पार लगाए। कहीं शास्त्र नाम जी नाम जहाज ही भव सागर से पार करेगा, नाम ऐसी चीज है जो हर दम जीव की दोनों जहान में मदद करेगा, नाम ऐसी चीज है। धन धन सतगुरु तेरा ही आस, धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी ईश्वर चंद्र इंसान भजन सुना रहे जी, इनके बाद प्रेमी देशराज इंसान सरसा भजन बोलने के लिए तैयार रहे जी। प्रेमी अजय इंसान मंगाली गांव से हैं, प्रेमी अजय इंसान ये जहां भी आवाज सुन रहे हैं तो आगे आकर अभी मिल लें जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सच्चा सौदा सुखदारा, सच्चा सौदा सुखदारा, सब बंधना तो पा छुटकारा, मिलदा सुखदा सा। सच्चा सौदा हरि नाम है, सच्चा सौदा हरि नाम है, सच्चा बपारा राम, गुरमति हरि नाम बन जिए, अति मोल अपारा राम, गुरमति हरि नाम बन जिए, अति मोल फारा राम। जिन्नी ऐसा हरि नाम न चेते ओ, जिन्नी ऐसा हरि नाम न चेते ओ काहे जग आए राम राजे। ए मानस जन्म गुलंब है, नाम बिना बिरथा सब जाए। ए मानस जन्म गुलंब है, नाम बिना बिरथा सब जाए। सच छड़ के तू कूड़ नाल प्यार ना करी, ओ बंदे याद रखी। सोना छड़ के तू मिट्टी दा बपार ना करी,
ਸਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਨਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੀਓ ਬੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਬਾਤ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਬਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਸੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਕੂੜ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੀਓ ਮਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਬੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਨਾਮ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸੱਚ ਨਾ ਕੰਦੇ ਕੂੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਰਚਨਾ ਹਾਂਜੀ ਰਚਨਾ ਛੱਡ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਲ ਦੀ ਬਗਾਰ ਨਾ ਕਰੀਓ ਬੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਸੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਕੂੜ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੀਓ ਬੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਬਾਤ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਰੰਗ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਨੋ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀਓ ਬੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਨੋ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀਓ ਬੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਬਾਤ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਜੇ ਦੀਨ ਤੇ ਦਿਆਲ ਦੇ ਹਾਂ ਦਿਆਲ ਦੇ ਪਰਦਾ ਮੈਂ ਦਾ ਤੂੰ ਫਾੜ ਦੇ ਤੇ ਜਾਲ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਜਾਲ ਦੇ ਕਦੀ ਖੁਦੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰੀਓ ਬੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਦੀ ਖੁਦੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖੁਦ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੀਓ ਮਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਸੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਕੂੜ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੀਓ ਬੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਮਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ Thank you.
वकील पीछे लाया है, हाँ जी लाया है, जिने सारा जग परम को लाया है, हाँ बुलाया है, केंद्र शासत नाम जी मंदा इन बार न करियो बंदे याद रखी, सतनाम जी मंदा इतबार ना करियो गल याद रखी, बात याद रखी, हट छड के तू कूड़ नाल प्यार ना करियो बंदे याद रखी, सोना छड के तू मिट्टी दा बपार ना करियो बंदे याद रखी, नाम छड के तू माया नाल प्यार ना करियो गल याद रखी, बात याद रखी, गल याद रखी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, एक बहुत ही जरूरी सूचना है साध संगत दे ध्यान के लिए। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली आदि राज्यों के जिन ब्लॉकों में सच्ची शिक्षा का मई माह अंक अभी तक नहीं पहुंचा, उन ब्लॉकों के जिम्मेवार भाइयों से अनुरोध है कि वे सच्ची शिक्षा ऑफिस गाइडेंस ब्लॉक कमरा नंबर 3 में संपर्क करें जी। इसके साथ ही जिन बहन भाइयों का सच्ची शिक्षा का बुकिंग का एक वर्ष का समय पूरा हो चुका है, उनसे भी अनुरोध है कि वे भी अगले समय के लिए बुकिंग करवा सकते हैं। बहनें पीछे बहनों वाले पंडाल में बहनों के पास तथा भाई इधर भाइयों वाली साइड में सच्ची शिक्षा के काउंटरों पे मिल सकते हैं जी। सच्ची शिक्षा का हिंदी और पंजाबी दोनों अंक उपलब्ध हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी देशराज जी इंसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके वाले प्रेमी लालचंद जी इंसा सूरतगढ़ से भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। मध्य प्रदेश से इंजीनियर ओम प्रकाश जी, ये जहां भी आवाज सुने तो आगे आकर अभी मिल लें जी। मध्य प्रदेश से इंजीनियर ओम प्रकाश जी आगे आकर मिल लें। और बहन नूर इंसा, बहन नूर इंसा और प्रेमी गीताराम इंसा, ये पनिहारी से हैं गीताराम इंसा और बहन नूर इंसा, इन्होंने गांव का नाम नहीं लिखा। ये जहां भी आवाज सुन रहे तो सचखंड हाल में जाकर मिल लें। और जो भी सत्संग पंडाल से बाहर हैं तो जल्दी से सत्संग पंडाल में आकर बैठें। जिन्होंने आज गुरु मंत्र लेना है वो सचखंड हाल में जाकर बैठते जाएं जी। सचखंड हाल में टेलीविजन लगे हुए हैं, टेलीविजन के माध्यम से ही सत्संग का कार्यक्रम दिखाई और सुनाई जा रहा है। और सत्संग के तुरंत बाद पूजनीय गुरु जी वहीं पर ही आपको गुरु मंत्र नाम शब्द देंगे। इसलिए आपसे प्रार्थना है जो आज नाम शब्द लेने के लिए आए हैं तो वो सचखंड हाल में जाकर बैठते जाएं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। हो नाम लेने में बड़ी है बहार, भूलने से दुख आए बेशुमार, नाम ही दवाई है सब रोगों की, नाम ही दवाई है सब रोगों की। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जो विश्वास है पंडाल से बाहर है कृपया जल्दी से सत्संग पंडाल में आकर बैठें। और जो बहन या भाई यहाँ खड़े हैं कृपया सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। Thank you.
सत्कार में नारा बोल रहे हैं जी। सतगुरु तेरा ही आसरा मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इंसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद सतब्रह्मचारी सेवादार बाल मुकेश जी इंसा भजन सुनाएंगे जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। जब भी सात संगत पंडाल से बाहर हैं कृपया जल्दी से आप सत्संग पंडाल में आकर बैठें, और जिन्होंने आज गुरु मंत्र नाम शब्द लेना है वो सचखंड हाल में आकर बैठते जाएं। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। राम का नाम है खुराक आत्मा की, राम का नाम है खुराक आत्मा की, सुमरन ही असली सौगात आत्मा की, सुमरन ही असली सौगात आत्मा की, राम का नाम है खुराक आत्मा की, सुमरन ही असली सौगात आत्मा की, सुमरन ही असली सौगात आत्मा की। जो मालिक से एक हो जाए सत्संग में रब का नाम बताए, बदले में कोई भी दाम ना मांगे वो ही नाम सदा फल फूल पाए, मालिक की भक्ति ही दात आत्मा की, राम का नाम है खुराक आत्मा की, राम का नाम है खुराक आत्मा की। बंदे को जब थोड़ी सी भूख सताए झटपट तन को खुराक खिलाए, भूखी प्यासी जुगों जुगों से आत्मा उसकी तरफ कभी ध्यान न जाए, बातें और करे करता ना बात आत्मा की, राम का नाम है खुराक आत्मा की, सुमरन ही असली सौगात आत्मा की। सुरजीत है आत्मा है तो हर कोई मीत है,
आत्मा नहीं तो काडो काडो होए, सारे संसार की यही तो रीत है। फिर क्यों नहीं करता संभाल आत्मा की, राम का नाम है खुराक आत्मा की। यह संसार है झूठा सपना, काल ने है ये रचाई रचना। वाली दो जहां के हैं शाह सतनाम जी, बनो सतगुर के बनाओ उन्हें अपना। कुल मालिक से होए मुलाकात आत्मा की, राम का नाम है खुराक आत्मा की, राम का नाम है खुराक आत्मा की। सुगुरन ही असली सौगात आत्मा की, राम का नाम है खुराक आत्मा की, राम का नाम है खुराक आत्मा की। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुजर गया समय जो आए नहीं दोबारा, सब संतों ने पुकारा, सब संतों ने पुकारा। गुजर गया समय जो आए नहीं दोबारा, सब संतों ने पुकारा, सब संतों ने पुकारा। कबीर जी बताए क्यों न लाभ उठाए, निकल गए जो श्वास वापिस कभी न आए। पानी की जैसे लहरें आती नहीं दोबारा, सब संतों ने पुकारा। मालिक ने पूंजी दी है सच्चा सौदा करके आना, ये तो नहीं कहा था झूठे सौदे में लगाना। एक श्वास का है मोल जी त्रिलोकी का पसारा, संतों ने पुकारा, संतों ने पुकारा। Thank you.
काम किया खाया रात सोकर गुजारी, हीरा जन्म गवाया प्रभु मिलने की बारी। इस काम को मिला था कभी सोचना विचारा, सब संतों ने पुकारा, सब संतों ने पुकारा। कर ले जो है करना, कल हाथ किसी न आए, बाकी समय जो हाथ सिमरन में दे लगाए। कल तो है हाथ काल के, क्या उसमें है तुम्हारा, सब संतों ने पुकारा, सब संतों ने पुकारा। जी है कहते कुछ सोच क्या है करता, मानस जन्म की बाजी क्यों जीत कर है हरता। ऐसा जन्म समय ये मिलता नहीं दोबारा, सब संतों ने पुकारा, सब संतों ने पुकारा। गुजर गया समय जो आए नहीं दोबारा, सब संतों ने पुकारा, सब संतों ने पुकारा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जो भी बहन या भाई आज पहली बार आए हैं, जिन्होंने आज गुरु मंत्र नाम शब्द लेना है, तो आपसे प्रार्थना है कि आपने सचखंड हाल में जाकर बैठते जाना है। सचखंड हाल में टेलीविजन लगे हुए हैं, टेलीविजन के माध्यम से ही सत्संग का कार्यक्रम आपको दिखाई और सुनाई देगा, और सत्संग के तुरंत बाद पूजनीय गुरु जी वहीं पर ही आपको गुरु मंत्र नाम शब्द देंगे जी। बाकी आप सभी से प्रार्थना है कि आपने इसी प्रकार प्रेम से बैठे रहना है, आपस में बातचीत नहीं करनी, अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अब आपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक सजनवाजी प्यारी सत्संग जीव, जो भी जीव यहां पे सत्संग पंडाल में मंडप में चल के आए हैं, अपने कीमती समय में से समय निकाल के समय को और बेशकीमती बनाने के लिए इस समय को यानी मनुष्य शरीर को सार्थक करने के लिए आप लोग आसपास दूर दराज से चल के आए हैं, आप सबका आश्रम में सत्संग में आने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयनो खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप अपना सवाल जल्दी से लिख के भेज दीजिए, नीचे अपना नाम लिख दीजिए, जैसा मालिक ख्याल देंगे आपकी सेवा में अर्ज कर देंगे जी। तो बेपरवाह जी के भजन सुने आपने, हर भजन में पूरी शिक्षा है। संत जीव को समझाने के लिए संसार में आते हैं, शिक्षा देते हैं, उनका काम परमार्थ होता है, हर जीव का भला करना, भला करने की प्रेरणा देना और मालिक से भला मांगना। इंसान का मन कितना भी शैतान बन जाए, घटा गनगोर बन के छा जाए,
तो भी संत पीर फकीर उसके लिए दुआ करते रहते हैं कि चलो अब नहीं तो कब, कभी ना कभी तो जागेगा। हे मालिक रहमत कर, दया कर, तेरा जीव है, मन के हथों मजबूर है, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार में पड़ गया है, कोई ना कोई चोर इस पे छा गया है जिसकी वजह से इसकी बुद्धि मारी गई है, इसका विवेक काम छोड़ गया है, पर तू तो रहमो करम का मालिक है, रहमत कर इसे सद्बुद्धि बख्श, ये तेरे नाम से जुड़ जाए, तेरी दया में रहमत को हासिल करे और दोनों जहां की खुशियों का हकदार बन जाए। तो संतों का काम दुआ करना होता है, वो दुआ करते हैं सबके लिए, मालिक से दुआ मांगते हैं, जो सुन लिया करते हैं, सुन के मान लिया करते हैं, उन पे असर होना शुरू हो जाता है। तो मालिक का रंग, वो अनमोल रंग जिसके लिए देव फरिश्ते तक तड़पते हैं, मालिक से दुआ करते हैं कि हमें भी मनुष्य शरीर दे ताकि हम तेरे नूरी स्वरूप को देख सकें, तेरी दया में रहमत को हासिल कर सकें, वो दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। पर हे इंसान, तुझे वह शरीर परमपिता परमात्मा ने बख्श दिया है, इसमें भक्ति कर, इसमें इबादत कर ताकि तू आवागमन से आजाद हो सके, ताकि तू उस नूरी स्वरूप के दर्शन कर सके और कण कण में जर्रे जर्रे में जो मालिक रहता है उसको पहचान सके। लेकिन इंसान जागता नहीं, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया में बुरी तरह से उलझा हुआ है, तो संत पीर फकीर जगाने आते हैं, जीव को होका मारते हैं, आवाज देते हैं कि भाई ढीठ ना बन, मन के हाथों मजबूर ना बन, क्योंकि मन ने जब मझधार में डुबो दिया तब तड़पने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। मौका है, मन से लड़ना सीख ले, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार की लगाम खींच ले, वरना ये लोग तुझे ऐसी जगह गिराएंगे कि यहां भयानक दलदल होगी, तड़पता रहेगा, बेचैन रहेगा, खुशियां हासिल नहीं हो पाएंगी। संत शिक्षा देते हैं, बहुत जीव मानते हैं, कोई कोई होते हैं जो नहीं मानते, और उनके अंदर मन का इतना पारा चढ़ा होता है कि वो सोचते हैं संत पीर फकीर उन्हें कुछ कहें या उन्हें कुछ अलग ऐसा कर दें, ऐसा कुछ होता नहीं। संत तो सबके लिए दुआ करते हैं, सबका भला मांगते हैं, किसी को बुरा नहीं कहते, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है, घोर कलयुग है, बुरे को भी बुरा कह दो खाने को आता है, किसी का भी भला कर दो उल्टा पड़ता है, क्योंकि ये घोर कलयुग है। इसलिए संत सत्संग में तो सबको समझाते रहते हैं, पर ये नहीं है कि किसी अकेले को देख के, कई लोग ऐसा दिखाते हैं कि हम वचन नहीं मानते, हम ये नहीं करते, तो आपके अपने कर्म हैं, इसमें संत क्या कर सकते हैं, ना मानो भाई, मर्जी आपकी, जब भोगोगे तब भी फिर मर्जी आपकी, कोई जरूरी थोड़ा ही ना होता है कि आप पे कोई असर होने वाला है, क्या पता किस पे कब, जिसकी वजह से आपका वो हाल हो जो आप सोचा भी ना हो, क्या पता उसकी न्याय की तलवार कब चल जाएगी। तो संत किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं रखते, कोई संतों का किसी से बद्दुआ देने का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वो बताते जरूर हैं कि ऐसे कर्म करने से ये फल मिलने वाला है। अब डॉक्टरों के पास जाओगे तो क्या डॉक्टर बताएंगे नहीं कि ये टेबलेट ले लो भाई, करोसिन ले लो, फलां ले लो, बुखार उतर जाएगा, एबल ले लो, नजला कुछ देर के लिए थम जाएगा, एलर्जी रुक जाएगी। तो उनका तो काम है बताना, आगे जी माने ना माने उसकी मर्जी, तो संतों का काम तो बताना है, इसमें हेंकड़ी वाली कौन सी बात है, करते रहो हेंकड़ी, संतों का काम बताना है, ये काम करोगे तो उसका रिजल्ट ये आने वाला है, ये करोगे तो ये आने वाला है। अब उसको अगर बद्दुआ समझ लो तो आपकी मर्जी, उसको दुआ समझ लो
तो शायद आपकी अच्छी बात है, क्योंकि वो एक दुआ ही होती है जो आपको आगाह करते हैं। माँ बाप बच्चे को रोकते हैं ना, कुएं में मत पड़, ये थोड़ा ना कहते हैं कि कुएं में पड़ जा, रोकते हैं बेटा इधर मत जा, आग लगी पड़ी उधर हाथ मत देख, सांप घूम रहा बेटा उधर मत जा। बेटा अगर कहे कि मैं तो जाऊंगा तो डसेगा ही नाग, जलाएगी आग। तो उसी तरह अगर वो बच्चा मान ले तो उसके लिए वो वरदान हो गया। उसी तरह भाई संत तो बताते हैं, ऐसे कर्म करोगे तो ये होने वाला है और जरूर होगा, कोई टाल नहीं सकता। आपकी हिंकड़ी, आपकी अकल, आपकी चतुराई धरी धराई रह जाएगी। कहते ना, एक बगुला दरिया के किनारे बैठा हुआ था, वो जीभ को पकड़ता, कभी ऊपर उछाल देता अहंकार में, कभी पकड़ लेता पानी में डुबो देता, फिर उसकी जान आती, छोटी मछली छोटा जीभ, फिर उछाल देता, केल कर रहा था, कलोल कर रहा था, जो आजकल कई लोग मन के हाथों मजबूर होकर कलोलें करते हैं, दिखाते हैं कि मैं कलोल कर रहा हूं। तो ऐसे वो बगुला कलोल कर रहा था, शरारतें कर रहा था, अचानक काल का या संदेश बाहक कह लीजिए या काल रूपी बाज ऐसा झपटा मारा समेत उस जीव के बगले की गर्दन पल में मरोड़ दी। वो तड़फता रहा, व्याकुल हो गया, उसके पंजे में फंस के वो उड़ा के ले गया। तो ऐसे ही अगर बुरे कर्म करते रहोगे, संत सत्संग में आके अपने आप को ये साबित करना चाहोगे कि मैं किसी की मानता नहीं, तो उसका बाज पता नहीं कब आन पड़े, सारी केलें सारी खेलें भूल जाओगे। अरे आप कहते हो मैं ये मैं वो, होश नहीं रहेगी, क्योंकि ये घोर कलयुग है। तो मालिक के समझाने का तरीका भी फिर उसका अपना है। इसलिए हम तो आपको हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप किसी के गुलाम थोड़े ही ना हैं। हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं, बाज आ जाओ, छोड़ दो बुरे कर्म, छोड़ दो मनमते, क्योंकि उसका बाज बड़ा भयानक है। मर्जी आपकी है, बताना हमारा फर्ज है। क्योंकि जो कहा करते थे देख लेंगे देखेंगे फला होगा, उनका हाल बड़ा बुरा हुआ, तौबा की तो मालिक रहमत करते हैं, इसलिए तौबा करनी ही ना पड़े। क्योंकि सब कुछ गवा के तौबा करी तो क्या करी, तो पहले ही तौबा करो, छोड़ दो बुराइयों को, छोड़ दो बुरे कर्मों को, क्योंकि बुरे कर्मों का फल बुरा जरूर होगा। टाइम लग जाता है, समय लग जाता है, लेकिन भोगना पड़ता है। इसलिए अच्छे नेक कर्म करो, भले कर्म करो, परमार्थ करो, सुमरण करो, मालिक से मालिक को मांगो, और परमार्थ करने वालों का साथ करो, संग करो। जो सेवा करता है, जो उसका साथ देते हैं, वही सच्चे रिश्तेदार होते हैं, वही सच्चे दोस्त मित्र होते हैं। अगर आप परमार्थ करते हो, सेवा करते हो, भले कर्म करते हो, आपको कोई आके रोकता है, आपको कोई टोकता है, वो आपका मित्र नहीं, असली दुश्मन है, जो मित्र बन के आपको धोखा दे रहा है। एक बार एक फकीर था, वो किसी शहर में गया तो पूछने लगा, भाई यहां सबसे ज्यादा धर्मात्मा राम नाम में सबसे आगे वाला कौन है, कौन है जो सबसे मालिक से प्यार करने वाला है, कोई ऐसा संत, कोई ऐसा मालिक का नाम लेने वाला भक्त, कोई तो नाम बताओ। तो उन्होंने किसी शाहूकार का नाम बताया कि फलां शाहूकार है, कारोबार भी अच्छा है, बाल बच्चे भी हैं। तो कहने लगे कितने बच्चे हैं, कहता चार, चार बेटे हैं। कहता फिर भी भक्त है, कहते हां जी, घर गृहस्थ में रहता भी भक्त है। कहने लगे ठीक है। वो शाहूकार के पास गया पूछते पछाते, शाहूकार अपनी दुकान में बैठा था, तो उस महात्मा ने जाके पूछा, जो कि फकीर था, इतना पहुंचा हुआ नहीं था, कि आप फला महात्मा हैं? कहने लगा जी अहो भाग्य है, महात्मा तो आप हैं,
मैं तो एक छोटा सा एक दुकानदार हूं, आप मेरी दुकान पे पधारे हैं मेरे अहोभाग्य। कहने लगा महात्मा को थोड़ा अहंकार आ गया, ये तो मेरे को इतना बोल रहा है। कहने लगा आपके बेटे कितने हैं? कहने लगा दो बेटे हैं। महात्मा को गुस्सा आ गया, बड़ा गुस्सा आया कि मैं पूछ के आया हूं, इसके तो चार बच्चे हैं और ये कह रहा दो बच्चे हैं। गुस्सा आ गया, कहता तू झूठा है, पाखंडी है, कोई राम नाम लेने वाला नहीं, ये वो, जो मुंह में आया बकता गया। क्योंकि आदमी जब अहंकार और मन के घोड़े पे सवार होता है ना, बड़ा अनाप शनाप बोलता है, जब क्रोध आ जाता है अगला पिछला कुछ भी देखता नहीं, फिर जो मुंह में आ गया दाड़ 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 दाड़। तो वो शाहूकार चुप बैठा रहा, वो फकीर बोलता रहा, कुछ बोलने के बाद जाने लगा, मैं जा रहा हूं मुझे कोई मतलब नहीं। कहने लगा बात तो बता तुझे क्या हो गया? कहने लगा आपके बेटे तो चार हैं, मैं पूछ के आया हूं और आप कह रहे हैं कि दो हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। तो वो शाहूकार मुस्कुराया, कहता फकीर बैठ, बैठ गया। कहता बेटे तो मेरे चार हैं लेकिन दो को तो मैं मरा हुआ मानता हूं। कहने लगा क्यों? कहता जब भी राम नाम की बात आती है, अल्लाह मालिक की बात आती है, परमार्थ की बात आती है, वो गाली गलौज करते हैं। दो बेटे मेरे ऐसे हैं जो मेरा साथ ही नहीं देते, बल्कि राम नाम में मेरे साथ जाके सत्संग सुनते हैं, संतों के वचनों पे अमल करते हैं, उनकी वजह से मैं सुखी हूं और सतगुरु को मानने वाला हूं। जब ये बात सुनी तो फकीर नीचा हो गया कि वाकई ये तो वाकई बहुत अच्छे भक्त हैं, महात्मा हैं, मैं तो ऐसे अहंकार कर रहा था, हकीकत तो यही है। तो यार दोस्त भक्तों, सत्संग जी वही है, रिश्ता नाता वही है जो राम नाम में आपका साथ दे। क्योंकि राम नाम में कोई बुराई नहीं है, जो भी कोई राम नाम में चलता है, अच्छाई नेकी में चलता है, उसका नाम अमर हुआ है, हो रहा है और हमेशा होता रहेगा। लोग उसके नाम की जय जयकार करते हैं, लोगों के दिलो दिमाग में उनका नाम बसा हुआ है और वो खुद अपनी आत्मा का रक्षक होता है, आवागमन से आजाद होता है और कुलों का उद्धार कर देता है। जो निंदक बन जाते हैं, जो पाप कर्म करते हैं, कोई भी धर्म ले लो, कोई भी पवित्र ग्रंथ ले लो, उसमें लिखा पड़ा है उनका वो हश्र होता है कहने सुनने से परे। हम किसी का नाम नहीं लेंगे। कोई यहां पे एक सज्जन आए थे, एक परिवार आया था, मालिक से दुआ तो की कि वो ठीक हो जाए, शायद मालिक ने रहमत की हो। तो उसके परिवारों ने आज से 300-400 साल पहले, 500 साल पहले किसी पूर्ण गुरु की निंदा की थी और उनका हश्र ये हुआ कि उनके लोग, आप अब तक देखो 400-500 साल हो चुके, अब तो हो सकता है बेपरवाह जी ने रहमत कर दी हो, कुछ कह नहीं सकते। जितने भी उनके परिवार के लोग होते हैं, चाहे लड़के लड़कियां कोई भी, पागल होते हैं, फिर उनका हाल बीमार होते हैं, मसल डेड होते हैं और फिर उनकी मौत होती है। आप क्या समझते हैं? आप हेंकड़ी जमाते हैं, ये कर ले मेरा क्या कर लेगा? वो राम है, तेरे जैसे अरबों को बनाने वाला है। अगर तू उसके किसी भक्त की, फकीर की निंदा करता है, फकीर कुछ नहीं करेंगे, उन्होंने तो दुआ करनी है। पर अगर जिसके अहंकार के बूते पे तू उछल कूद रहा है, तो फकीरों का भी कोई खसम है, भक्तों का भी कोई खसम है। वो तो देख रहा है ना कि मेरे बच्चे को, मेरी औलाद को ये बिना वजह इतना कुछ कर रहा है। फिर कुलों का ऐसा बुरा हश्र होता है। और आज के युग में तो हाथों हाथ जीव को पता चलता है कि भाई तूने ऐसा किया और ऐसा हो रहा है। बहुत लोग ऐसे बाद में माफी मांगते हैं, बुरा कर्म करके, गुनाह करके पश्चाताप करते हैं, फिर भी बेहतर है कि वो जाग जाते हैं और तौबा कर देते हैं कि मैंने बुराई छोड़ दी, तो उनका मालिक उद्धार जरूर कर देते हैं, वो बख्शनहार भी है। जीव सच्चे दिल से कबूल कर ले, तौबा कर ले, तो उसके सारे पाप कर्म काट भी देता है। पर जो कोड़ किरले की तरह गर्दन अकड़ के रखते हैं ना, मेरा क्या कर लेंगे, मेरा ये मेरा वो, तो भाई फिर पता नहीं होता ट्रैक्टर के पीछे डिस्क है कितने टुकड़े हो जाए। हम ये नहीं कहते कि हम कोई बद्दुआ दे रहे हैं, हम तो कर्मों का नतीजा रिजल्ट बता रहे हैं। जैसे कर्म करोगे फल भोगना ही है। ये ना इंतजार करो देखेंगे क्या होगा, क्यों इंतजार कर रहे हो कि ऐसा कुछ हो गया तो फिर आप थोड़े ही ना देखोगे, आपके आसपास वाले देखेंगे। तो बुरा कर्म ना करो,
निंदा तो अपने माँ बाप की, भाई बहन की, किसी की भी ना करो, क्योंकि निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन मुंह काले तिन निंदका नरके कोहर पवन। गुरु साहबानों के ये वचन हिंदू धर्म में पवित्र रामायण में भी लिखा है कि जो निंदा करता है वो 100 गौ घात करने के से भी बढ़ के महापापी है। तो ये ऐसा पाप है जो 1 सेकंड में कर देता और सारी उम्र आदमी भोगता रहता है। इसलिए भाई कभी किसी को बुरा ना कहो, बुरा कहना है तो अपने मन को कहो जो आपको टिकने नहीं देता, बुरा कहना है तो अपनी बुराइयों को कहो। मालिक से मौत मांगना, मालिक से कोई बुरी चीज मांगना, ये भी आपका मन अहंकारी है। मालिक से जिंदगी मांगो, बेहतर जिंदगी मांग लो, मालिक मुझे ऐसी जिंदगी बख्श दे जिसमें बहार हो, मुझे ऐसी ताकत बख्श दे मन मेरे पांव के नीचे कुचला जाए, ये भी तो मांग सकते हो। ये क्यों मांगते हो कि मौत चाहिए, ये क्यों मांगते हो कि बुरा चीज चाहिए, क्यों, किस लिए? मालिक से मांगना, अच्छा मांगो, तड़फ के मांगो, यकीन मानो आपकी मांग वो जरूर सुनेगा और समय के अनुसार पूरी भी कर देगा। इसलिए कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव। हमेशा मन से लड़ने की प्रेरणा लो, हमेशा आत्मबल के साथ जी के देखो, जरूर नजारे मिलेंगे। अब क्या पता था 2-4 दिन पहले कितनी गर्मी पड़ती थी, अब देखिए बहार बनी हुई है। अब अगर यही मांगते रहते मालिक ऐसी गर्मी से तो उठा ले, मालिक उनको उठा ले, तब बाद में बहार बनी हुई, तो क्यों ना बहार ही मांगी जाए कि मालिक बहार ही दे दे। उठाने को कौन सा तीर मार देगा, वहीं भी तो उल्टा लटका देना है और इतना बुरा हाल होना है कि कहने सुनने से परे। यहां तो कुछ भी नहीं, थोड़ा सा मन हावी होता है और तू चूचरा करता है, वहां तो तेरी कोई चलेगी नहीं, यहां तो हेंकड़ी मारता है, वहां किसको दिखाएगा तू? सोचेगा मैं किसी को दिखाऊं, कोई देखने वाला नहीं होगा, इतना तड़फेगा, इतना व्याकुल होगा, अरबों खरबों गुना तसीहे होंगे जो कहने सुनने से परे। अच्छा है ऐसा सोचना, कभी आत्महत्या की सोचो ना, आत्मघाती महापापी, उसको कभी कोई खुशी नहीं मिलती। इसलिए मालिक से दुआ मांगो कि मालिक ऐसा कर्म मेरे रास्ते में ना आए, आए तो मुझे रहमत कर, मैं उस पर अमल ना करूं, मेरा वो कर्म कट जाए। सुमरन करो, भक्ति करो, इबादत करो, ताकि उन कर्मों से बच सको। तो भाई संतों का काम तो समझाना है, वो तो जीवों को समझाते रहते हैं, सुन के जो अमल कमाते हैं खुशियां हासिल वही कर पाते हैं। मालिक के राह पे चलना, मालिक की भक्ति इबादत करते जो कुर्बान हो जाते हैं उनका तो कहना ही क्या। इस रास्ते पे चलना कोई आसान काम नहीं है, भाग्यशाली जीव होते हैं जिन रास्तों पे चल के मालिक से ओढ़ निभाते हैं। तो भाई अपने अहंकार को लगाम दो, कहीं ऐसा ना हो कि आप वैसे ही रहो और आपके वो प्यारे जिनसे आप इंतहा मोहब्बत करते हैं आपका साथ छोड़ दें, या कुछ ऐसा हो जिससे आपको वो तकलीफ हो, कोई ऐसा कर्म आप पे पड़े कि आप लाचार हो जाओ, अपंग हो जाओ और वो हश्र हो जो कभी आपने कल्पना भी ना की हो, तो ऐसा कर्म मालिक लाए ना किसी पे, यही मालिक से दुआ है। लेकिन आप पाप कर्म ना करो, बुरे कर्म ना करो, सत्संग में अगर कोई चल के आता है तो दीनता धारण करो। यहां बहुत लोग आते हैं अहंकार में डूबे हुए, तरह तरह के ख्याल, जिनको नहीं पता उनका तो ये होता है, पर जिसको पता है, हाथ में दीपक कुएं पड़े, पता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जानबूझ के करेगा तो भरेगा भाई, फिर रोका कैसे जा सकता है? रोकने का तो एक ही तरीका है, तौबा कर ले कि मालिक मैं आइंदा ऐसा कर्म नहीं करूंगा, बुरे कर्म नहीं करूंगा। सच्चे दिल से तौबा कर लेगा तो बच सकता है, वरना हशर ऐसा होता है कहने सुनने से परे। सो आपसे प्रार्थना है, बुरे कर्म छोड़ दो, बुरी सोच छोड़ दो, ना करो ऐसा, क्या मिलता है ऐसा करने से? मांगना है तो मालिक से मालिक को मांगो, मांगना है तो परम शांति मांगो, मांगना है तो परम मुक्ति मांगो, जीते जी आवागम, गम दुख दर्द चिंता रोगों से मुक्ति और मरने के बाद आवागमन से मुक्ति। और मांगना है तो मालिक का नूरी स्वरूप मांगो जो आपको हर तरह की लज्जत अरबों खरबों गुना बढ़ के देगा और परमानेंटली देगा, टेम्परेरी नहीं देगा। तो ऐसी चीज मांगो भाई, हमारा तो हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है,
आगे आपकी मर्जी है, कुछ भी आपकी इच्छा के स्वामी हैं, हमने क्या लेना है दखलंदाजी देके आपकी किसी चीज में, छोड़ दी है। सत्संग में बोलेंगे जो बोलना है। समय समय का खेल होता है, कोई समय ऐसा भी होता है। संत पीर फकीर हर तरीके से अपने सेवक को समझाते हैं, जीव को समझाते हैं, और कोई टाइम ऐसा कलयुग आता है, घोर भयानक समय, जब जीव को अहंकार घेर लेता है, तो फकीर फिर बात तो समझाते हैं लेकिन वो शरेआम सबको समझाते रहते हैं, जिसके पल्ले पड़ जाए, जो सुन के मान ले, बेड़ा पार, ना माने भाई कर्मों का बोझ अपने आप उठाता रहता है। तो आप माना करो, यही है विनती है, राम का नाम जपा करो। राम नाम जपने से बीमारियां कट जाएंगी, आपके रोग दूर हो जाएंगे, आप नशों से मुक्त हो जाएंगे, आप टेंशन से आजाद हो जाएंगे, आपके जीवन में बहार छा जाएगी और खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे। तो अगर कोई सवाल है बोल दीजिए भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, लकी इंसान। कोई नाम लेने वाला बैठा है इधर पंडाल में, जो जल्दी से सचखंड हॉल में जाके बैठ जाइए, जल्दी कीजिए। आप अगर जाना चाहते हैं, नाम लेना चाहते हैं, तो जल्दी कीजिए। साइडों में रास्ते हैं, दोनों साइडों में ऐसे चले जाएं या रास्ते में से होके और वहां जल्दी पहुंच जाइए, क्योंकि वहां लोग बैठे हैं, टेलीविजन पे सत्संग चल रहा है। जी बोलिए। लकी इंसान मंडी डबली से। पूज्यता जी, कई स्कूलों में अरदास बोली जाती है कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। पिताजी, मन का विश्वास क्यों कहा गया है? भाई, लोगों को ये समझ ही नहीं है कि आत्मबल असली ताकत है, उनके लिए शायद मन का विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है, जबकि आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज होती है, ना कि मन का विश्वास। मानवीर इंसान, गदालपुर जिला भरतपुर राजस्थान से। गुरुजी, जब मैं सिमरन करता हूं, मेरे शरीर में बिजली की तरह करंट सा लगता है, और मजलिस में बैठते हैं, आप जी के वचन ध्यान से सुनते हैं, उस समय भी ये चलता रहता है, और सिमरन करता हूं तो मेरी आवाज बंद हो जाती है। दसवें द्वार पर आपकी जैसी सूरत दिखाई देती है, जीभ से लज्जत सी निकलती है, मीठा मीठा सा एहसास होता है, इसके बारे में समझाएं। बस लगे रहिए, बढ़िया है आपका, आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, आपको लक्ष्य मिलने शुरू हो चुके हैं। जो दसवें द्वार में प्रवेश की निशानी होती है कि आप वहां पहुंच रहे हैं, बस अगर आपको वाकई ये हो रहा है तो लगातार अंदर ही अंदर सुमण कीजिए, अहंकार ना कीजिए, दीनता नम्रता से सुमण करते रहो, वचनों पे पक्के रहो। धर्मेंद्र इंसान, दिल्ली से। राजा गोपीचंद और राजा भर्तरी ने सब कुछ त्याग कर भक्ति करी और भगवान को पा गए, और हम सब कुछ पाने के लिए भक्ति कर रहे हैं, इतना फर्क क्यों है? भाई, इंसान के पास जो चीज नहीं होती उसको पाने को ललायित रहता है। उनके पास सब कुछ था, पर ज्ञान आ गया कि भगवान के बिना कुछ भी नहीं, तो उन्होंने भगवान को पाके सब कुछ पा लिया। जिनके पास धन दौलत जमीन जायदाद नहीं होती, उनको लगता है यही सब कुछ, इसलिए वो भक्ति कर करके ये कुछ जब तक हासिल करते हैं, उनको तब कहीं जाके अगर पता चले कि हाँ भाई इनमें तो कुछ भी नहीं, मालिक ही सब कुछ है, तब तक बहुत देर हो जाती है। तो ये सत्संग में ही समझ आती है। सोनिया इंसान, प्यारे पिताजी, हमें आपकी नई सीडी की बहुत दिल से इंतजार है, नई सीडी कब निकालूंगी? भाई, कोशिश करेंगे, अभी तो टाइम नहीं कि जल्दी निकालेंगे, क्योंकि अभी सीडियां जो हैं वो दूसरी बन रही हैं, सासंगत उन्हें देख भी रही है, सासंगत को मालूम है, एक्टिविटीज हॉल जो है उसमें वो सीडियां दिखाई जाती हैं। किरणजीत इंसान, मानसा से। दृढ़ विश्वास अते अंधविश्वास विच की फर्क है? पाखंड में, ढोंग ढकोसलों में यकीन करना वो अंधविश्वास है, और पूर्ण फकीर मालिक पे विश्वास करना वो दृढ़ विश्वास है। इन्होंने नाम नहीं लिखा, प्यारे पिताजी, मैं जब सिमरन करता हूं तो वैराग्य आता है, तो रोकने से रुकता नहीं, क्या करूं जी? अच्छी निशानी है, अगर सुमण के टाइम वैराग्य आता है, बस ध्यान तिल में रखो, दसवें द्वार में रखो, और लगातार सुमण करते रहो, अच्छी बात है वैराग्य आना, क्योंकि लोग यारी दोस्ती के लिए रोते हैं, लोग विवाह शादी के लिए रोते हैं, लोग धन दौलत के लिए रोते हैं, लोग बेटा बेटी के लिए रोते हैं, मालिक की याद में वैराग्य आना बहुत बड़ी बात है, सो लगे रहिए, अच्छी बात है। विकास इंसान, दिल्ली से। जो पिछले कर्म होते हैं ये मनुष्य जोनि में होते हैं या 84 लाख जोनि में किए होते हैं? भाई, बाकी जोनियों के भी जुड़ते हैं, क्योंकि जन्म जन्मों के पाप कर्म होते, कर्मों का दायरा जबरदस्त है। ज्योति, हम 4 बहन भाई हैं, हमारे माँ बाप की मृत्यु हो गई और एक चाचा जी हैं जो हम पे गलत नजर से देखते हैं। पिताजी, हम आपके पास डेरे में रहना चाहती हूँ, कृपया करके अपनी दया मेरे हम पर करो जी। बेटा, आप यहाँ 50 नंबर में या एडम ब्लॉक में मिल लीजिए, और
अगर आपका विवाह शादी कोई नहीं कर पा रहा तो सत्संग ने मिलकर आपकी विवाह शादी करवा देगी, बाकी आप मिल लीजिए वहां। जानकी इंसान पुंडरी से, जब कोई अनमैरिड लड़की ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स की वर्दी लेना चाहे और उसके अंदर पूरी लगन हो, उसे दो फार्म जमा करवाने पड़ते हैं, एक अपना और एक अपने पिता का। यदि लड़की के पिताजी शराबी हो, विश्वास में ना हो, तो क्या वो अपनी माता या बड़े भैया के नाम से फार्म जमा करवा सकते हैं? बेटा आप उनको मिल लीजिए जिनकी इसके बारे में ड्यूटी, हमें ख्याल में नहीं। गांव चनन कला महल कला ब्लॉक से, गांव चनन वाड़ा में जहरीली चाय पीने से एक परिवार के 9 जीव बीमार थे। उन सभी को डेरा प्रेमियों ने मौके पर पहुंचकर अस्पताल पहुंचाया, इलाज करवाया और राशन भी दिया। पूरी मेहनत करने पर आपकी मेहर से 6 जीवों की जान बच गई। इस पर पूरे जिले के प्रशासन ने और पूरे गांव ने डेरे की बहुत प्रशंसा की और मीडिया ने सारी छोटी छोटी बातें अखबार में दी, परंतु डेरे का कहीं भी जिक्र नहीं किया जी। भाई क्या कह सकते हैं, समझ नहीं आती, अपने तो कभी मीडिया को या किसी को बुरा नहीं कहते, लेकिन ये जरूर देख रहे हैं इस घोर कलयुग में अच्छे नेक काम करने वालों को कोई हवा नहीं देता, कोई हकीकत ही नहीं बताता, बढ़ा चढ़ा के तो बताना दूर, छोटी सी कोई झूठी बात हो उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के, शायद कोई नंबरिंग है उसका कोई चक्कर है, पता नहीं जनता क्यों नहीं समझती इन बातों को। लेकिन फिक्र ना कीजिए, नेकी अगर कोई करता है तो मालिक ऐसे नंबर देता है कि उसके कुलों का जय जयकार होता है और खुशियों से मालामाल होते हैं। शाबाश सात संगत, अगर वो आई है तो प्रसाद लेना भाई, या कोई सेवादार आए तो प्रसाद ले जाना, बहुत अच्छा नेक काम किया है, मनुष्य की जिंदगी बचाने से बढ़ के कोई बड़ा काम हो नहीं सकता, शाबाश। परमजीत इंसान, प्यारे पापा जी, मैं जदों तो प्रेग्नेंट हाँ उदों तो उस बच्चे के नाते एक रुपया हर रोज कटती हाँ, पिता जी की उस दा फल बच्चे नू मिलता है जी? जी आप परमार्थ कर रहे हैं अपने बेटा जो गर्भ में, उसके लिए तो बहुत अच्छी माँ है, उसको सत्संग भी सुनाया करें, सुमन भी किया करें सुबह शाम, तो जरूर उसको फल मिलेगा और जरूर उसके मालिक रहमत करेंगे। जसविंदर इंसान गाँव नटार से, ज्यादातर संत महात्मा भारत में ही क्यों अवतार लेते हैं और कहीं क्यों नहीं? आपने और कहीं से क्या लेना है, यहाँ मालिक को मंजूर है वहीं वो आएंगे, तो संत महात्मा यहाँ भी आ जाते हैं, वो मालिक की रजा है। सुमन गर्ल्स हॉस्टल से, अगर मालिक से मालिक को मांगते हैं तो क्या नाजायज है, अगर जायज है तो पूरी क्यों नहीं होती जी? ये हथेली पे सरसों जमाई नहीं जा सकती। मालिक से मालिक को मांगना जायज है, पर आप सोचो 7 दिन में मिल जाए, महीने में या 2 साल में या पता नहीं, ये तो जब तक आपकी सफाई नहीं होती वो नहीं मिलेगा, और सफाई कहीं होगी 7 मिनट में हो जाए तो 8वें मिनट भी वो दर्शन दे सकता है। इनका अगला प्रश्न है, अगर आप सपने में इंसान को डांट देते हैं तो क्या आप हमसे नाराज होते हैं या कोई कर्म काटते हो जी, फिर दर्शन क्यों नहीं होते जी? वो मालिक ही दर्शन देने वाले हैं बेटा, वो ही प्यार मोहब्बत डांटते हैं, क्योंकि उसके डांटने में भी पता नहीं कितने कर्म कटते हैं, ये कोई झूठ नहीं, ये बिल्कुल सच है। और आप उसको अन्यथा ले लेते हैं कि मुझे डांट दिया मुझे ये नहीं, फिर दर्शन कहां से हो? अगर आप ये ले लें कि हाँ भाई मेरा कर्म कट गया होगा, धन्य मालिक, आप और तड़प बना लें तो मालिक तो पल पल दर्शन आपको देंगे, क्यों नहीं देंगे, हम तो खाकसार हैं, दर्शन देने वाले मालिक हैं। राम प्रताप इंसान, पूज्य पिता जी, आप जी एक बार काफी साल पहले रोहतक रात्रि विश्राम के लिए ठहरे थे, जब मैं दर्शन करने सुबह पहुंचा तो आप जी ने मुझे SDO कहकर पुकारा था, उस समय मेरा इस पद के पे स्केल का केस हाईकोर्ट में चल रहा था, अब वह आप जी के वचनानुसार मेरे हक में हो गया है जी, और इस खुशी में मैं भलाई फंड में 56,100 रुपए दीन दुखियों की मदद के लिए बैंक में जमा करवा रहा हूँ। पता नहीं भाई, हमारे तो ख्याल में नहीं, सदगुरु ही है जो कहलवा देते हैं, उनका रहमो करम है। सो आप अच्छे नेक काम करना बेटा, आगे बढ़ना, मालिक आपको खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। टूर से काफले वाले सेवादार आप जी की रहमत से ठीक ठाक पहुंच गए हैं जी, आशीर्वाद चाहते हैं जी। जो भी सेवादार आए हैं बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, मालिक आपको बेहद खुशियां बख्शे, और सेवा सिमर सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक आपकी झोलियों में डाले, घरों के लिए प्रसाद ले जाना, सारे परिवारों को आशीर्वाद के न भेजने आशीर्वाद भेजा, मालिक रहमो करम से नवाजे, शाबाश बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। राजविंद्र कौर इंसान सलेमपुरा श्री गंगानगर से, पूज्य पिताजी मेरे ऊपर एक मुट्ठी कनक के दानों की आई और उसके 5 मिनट बाद मैं गुम हो गई। पिताजी हमें तो आप जी पर ही विश्वास है, लोगों ने हमें बहुत से वहम में डाला और जादू मंत्र वाले लोगों को लेकर आए, हमें तो उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं। पिताजी जब मुझे श्री गुरुसर मोडिया में ले गए तो मैं बोलने लगी, पिताजी 1 साल पहले मैं बिल्कुल ही मर गई थी, आप जी की रहमत से मैं जिंदा हो गई, पिताजी मेरे व मेरे परिवार पर रहमत बख्शी। बस सुमण करते रहिए, किसी से कुछ लेके ना खाओ, सो मालिक रहमो करम करते हैं। कई बार ऐसा मन
या दिमाग में आभास हो जाता कोई चीज आ रही है होता वो भयानक कर्म है। सो ऐसा कोई चीज नहीं आई और वो कर्म की वजह से आप उस रोग में जकड़ गए और सुमण करो थोड़ी दवा दारू करो तो रोग से आजादी मिल जाती है। कई बार दिमाग ऐसा कुछ दिखा देता है कि वो कर्म आता है उसे आदमी नजर आते हैं किसी को औरत नजर आती है किसी को कुछ नजर आता है होता वो भयानक कर्म है। किसी किसी को एहसास होते हैं कोई भूत प्रेत नहीं होते ये प्रत्यक्ष में दिखा देता है और सिमण करो और दवा दारू करो तो वो कर्म कट जाता है। अब कुछ लाइव मैसेज हैं जी सिमरन इंसा श्री विचे कनाडा से पूज्य पिता जी जब भी आपका सत्संग होता है उसकी ऑडियो वीडियो सीडी जल्दी से जल्दी रिलीज होनी चाहिए जी। जरूर इनको कहेंगे बेटा रिकॉर्डिंग तो होती है शायद और जरूर जरूर कहेंगे। प्रवीण इंसा सिडनी ऑस्ट्रेलिया से लाइव मैसेज 14 मई को सात संगत ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी सिटी काउंसिल के साथ मिलकर 1000 पौधे लगाए और बाद में काउंसिल वालों ने हमारे लिए सैंडविच मंगवाए वेज सैंडविच मंगवाए क्या परमार्थी सेवा के बाद इस तरह से खाना ठीक होता है जी? भाई कोई आदर सत्कार से ऐसे कुछ आप इतने भले कर्म करते हैं तो अगर हम नहीं लेते वो भी गलत है तो एक बार कोशिश कीजिए कि मंगवाने ना दें प्यार से और जब अगर वो जबरदस्ती करेंगे नहीं आपने लेना ही है आपने इतनी हमारी मदद की तो उसमें हमारे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं मेहमान नवाजी की तरह ये हमारा भी तो फर्ज है कि उनके प्यार मोहब्बत को भी मुख्य हमें देखना है लेकिन कोशिश यही कीजिए कि जितना वाइड हो सके अच्छा है। जसविंदर इंसान एडमंटन कनाडा से लाइव मैसेज जब एक मुरीद अपने मुर्शिद के दीदार व सेवा को छोड़कर विदेश में चला जाता है तो क्या यह उसके कर्मों की वजह से होता है अगर हाँ तो उसको वह खुशी दोबारा प्राप्त करने में कितना समय लगता है? भाई इंसान भौतिकतावाद में कमाई के लिए जाते हैं कर्म भी जुड़ जाते हैं साथ सुमण करते रहो मालिक हर जगह साथ है। गुरजीत इंसान ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से पिताजी अगर सिमरन करते समय नाम में एक शब्द की गलती हो जाए तो क्या उसका फल हमें मिलता है? नाम में गलती होना फल तो मिलता है लेकिन गलती को सुधारना चाहिए जल्दी से जल्दी जितना जब भी पता चले नहीं तो हर जीव को ये देखना चाहिए उसका नाम सही है कि नहीं क्योंकि जब नाम देते हैं पूरा ध्यान देना चाहिए और जब यकीन है तो फिर सही है। कई बार होता है कई शब्द ऐसे काल का भी जाप होने लग जाता है तो उससे वो फल नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। आखिरी प्रचय है जी कुछ भाई बहन विदेश जाने की आज्ञा चाहते हैं। आशीर्वाद भाई बचनों में पक्के रहना सुमण करते रहना मालिक साथ है। तो जो भी सात संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई आप सबका यहाँ पर धारने के तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी आयन खुश आमदीद कहते हैं मोस्ट वेलकम। और आप में से नाम लेने वाला अगर अभी भी कोई बैठा है तो वो नाम लीजिए बाकी सात संगत के लिए लंगर भोजन है शाम को रूहानी जाम पिलाया जाएगा और आप सबने लंगर भोजन लेना है जी। और मालिक से दुआ करते हैं जब अगर आप जाते हैं तो आराम से जाइए और सत्संगों से फल बढ़ के आपको मालिक आपकी झोड़ियों में डाले ये मालिक से दुआ करते हैं। जल्दबाजी नहीं करनी होती गाड़ियां लेके आते हैं सीट टू सीट सवारी लेके आया करें सत्संग तो आगे है क्योंकि ये तो चौथा हफ्ता है इस महीने में 5 हफ्ते हैं लेकिन आज भी सात संगत बहुत आई हुई है काफी है शेड में काफी सात संगत नजर आ रही है तो लेकिन अगला हफ्ता है उसमें रविवार का दिन है तो भाई बाकी अब थोड़ा सा समय इसी तरह प्यार मोहब्बत से सज रहना है मालिक आपको खुशियां बख्शे बैठे रहिएगा सज रहिएगा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा एक दो मिनट के लिए कृपया सभी इसी प्रकार बैठे रहें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा सारी संगत को सूचित किया जाता है कि शाह मस्ताना जी दाम से लेकर आगे नेजिया गांव तक आपने किसी ने जमीन या प्लाट वगैरह नहीं खरीदना। अगर आपको प्लाट या फ्लैट की जरूरत है तो कमरा नंबर 50 में अपना नाम लिखाएं। इस प्रार्थना को सारी संगत ने मानना है और सभी ने गुरुमुख बनना है। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। जो बहने भाई आज पहली बार आए हैं और जिन्होंने गुरु मंत्र लेना है